यस सर, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जम्पशन का क्वेश्चन है। जी हाँ, जितने भी बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी रेगुलर बैच ले लिया है फॉर्म 821 नवंबर 21 या जिन्होंने फास्ट ट्रैक बैच लिया है, उन सभी को पता है कि ये वाले पार्ट्स जो है ये आपके क्वेश्चन है डिस्कशन के पार्ट है, ताकि आप लोग ये क्वेश्चन को ले सके और इससे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सके। एक बात याद रखना, जिसका होगा सही रिविजन वही आएगा फर्स्ट डिविजन। सारे बच्चों को फटाफट क्वेश्चन है डिस्कशन के पास में हम लोग इंडल्ज कर लेते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन क्वेश्चन है डिस्कशन की जो बुक है, ये जो बुक मैं रेफर कर रहा हूँ ये है मेरा सीए इंटर डीटी का क्वेश्चन है, जो आपको वी स्मार्ट अकेडमी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। या आप अपने सिटी में हैं तो वी स्मार्ट का जो भी सेंटर होगा आपके सिटी के अंदर में, प्लीज उनको बोलिए ये बुक आपको प्रोवाइड कर दे। ये बुक सेल के लिए अवेलेबल है तो आप इसे ले सकते हैं, साथ साथ में फास्ट्रैक बुक भी आप ले सकते हैं, जिससे फटाफट आपका रिविजन हो जाए। आइए मेरे साथ एग्जम्पशन के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यस, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स एंड द अमाउंट लायबल टू टैक्स। एग्जम्पशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम और थ्योरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। व्हाट आर द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स एंड द अमाउंट लायबल टू टैक्स, यानी दो चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। आर दे लायबल टू टैक्स, इफ यस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स, हमें ये दो चीजें यहाँ पे बतानी है। देखिए, क्वेश्चन को जब भी आप रीड करोगे ना, तो ये बहुत अच्छे से ईमानदारी से रीड करना, क्योंकि यही वो चीज है जिसको आपको मार्क्स दिलाएंगे। आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दोगे चार्जेबल टू टैक्स एंड अमाउंट आप स्पेसिफाई नहीं करोगे इफ एनी, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं, राइट। हाँ, एक और सवाल जो मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं, जिन्होंने पर्सनली भी मुझे मैसेज किया कि सर सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है क्या, ईमानदारी से सोच करके बताइए मेरे भाई, क्या सच में इतना पॉसिबल है कि प्रोविजन को याद रखने के अलावा तुम सेक्शन नंबर भी याद रखो? नहीं पॉसिबल है ना, तो प्लीज मत करो ये एक्टिविटी, राइट। कुछ बच्चे यू नो अननेसेसरी एक्टिविटी के अंदर में चल जाते हैं कि क्या सेक्शन नंबर याद रखना। अरे क्यों याद रखना है मेरे भाई, इतने सारे सेक्शन है तू नहीं याद रख सकता, कम ऑन, एक्सेप्ट इट। सो उससे बेटर है प्रोविजन को याद रखो, जिन जिन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को याद रखना चाहिए उन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को याद कर लो, बस काफी है। वैसे भी सारी एक्टिविटी नहीं हो सकती, तुम छोड़ो फाइनल वालों से पूछ लो, फाइनल वालों को नहीं होती तो तुम तो अभी बड़े बच्चे हो। यस, आ जाओ। अरविंद रिसीव 2 लाख रुपीज एज हिज शेयर फ्रॉम द इनकम ऑफ HUF। याद कर बेटा, हम लोगों ने एग्जम्पशन पढ़ा है, HUF से आने वाला जो शेयर है मेंबर्स के हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होता अंडर सेक्शन 10(2). सो वेदर दिस अमाउंट इज टैक्सेबल, आंसर इज नो, इट इज नॉट टैक्सेबल। सो आंसर आपको देखने को मिलेगा, नो इट इज नॉट टैक्सेबल, द शेयर बाय द मेंबर आउट ऑफ द इनकम ऑफ HUF इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2). सेकेंड, जेवियर परमवीर चक्र अवार्डी, याद कर बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोगों ने पढ़ा था, अब परमवीर चक्र अवार्डी हुआ है, फॉर्मली इन सर्विस, उनको पेंशन मिलती है जो फॉर्मली कभी सर्विस के अंदर में हुआ करते थे, जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है। याद कर 10(18) के अंदर में हमने पढ़ा था, अगर किसी भी व्यक्ति को गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, इन्हें पेंशन मिलता है, तो ये पेंशन एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(18), तो क्या ये टैक्सेबल है? ना मुन्ना ना, ये टैक्सेबल नहीं है, इट इज नॉट टैक्सेबल। पेंशन रिसीव्ड बाय अ फॉर्मर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुज अ परमवीर चक्र अवार्डी इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(18), तो गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला है उनकी इनकम एग्जम्प्ट है 10(18) में। नेक्स्ट, अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट अर्न अ रेंटल इनकम 6 लाख बाय लेटिंग आउट द प्रमाइसेस। वैसे ये आपको है नहीं, बट इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम होती है ये सेक्शन 10(13A) के अंदर में एग्जम्प्ट होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल एज वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होता है, प्रोवाइडेड अगर इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो इन अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ता है और ऑडिट भी करवाना पड़ता है। आप जब मेरे साथ सीए फाइनल में आओगे तब आपको इसके ऊपर ऑलरेडी एक पूरा का पूरा चैप्टर है टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वहां पे आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। एज ऑफ नाउ इसका आंसर है नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, सेक्शन 13A, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड टू पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनेबल द ऑफिसर टू प्रॉपरली डिड्यूस द इनकम देयर फ्रॉम एन अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम इज एग्जम्प्ट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इनकम टू अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन मलेशिया। याद कर, हम एग्रीकल्चर इनकम के टॉपिक के ऊपर थे और हम लोगों ने देखा था एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जम्प्ट प्रोवाइडेड द इनकम इज फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इन इंडिया एंड लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। यहाँ पे लैंड मलेशिया में सिचुएटेड है तो ये इनकम एग्जम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? जब इनने अमाउंट ही नहीं बताया तो हमें ये लिखना पड़ेगा द होल ऑफ सच अमाउंट इज टैक्सेबल। सो टैक्सेबल, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन एनी फॉरेन कंट्री इज टैक्सेबल इन केस ऑफ अ रेसिडेंट टैक्सपेयर एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट इज अलावेंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, रनिंग अलावेंस कह सकते हैं,
10,000 a month to meet his personal expenditure while on duty. He is not receiving any daily allowance. अब ये अमाउंट पार्टली टैक्सेबल है, जो आपको अमाउंट मिल रहा है उसका 1/3 या 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर का एग्जम्पशन है. सो आई थिंक इसमें 70% ऑफ एक्चुअल, नॉट 1/3, 70% ऑफ एक्चुअल और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर है, तो 70% ऑफ एक्चुअल ही लोअर होगा. यस द एग्जम्पशन इज 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, हेंस 84,000 बींग 7,000 इंटू 12 इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 1014. अंडर सेक्शन 1014 में एक और बात आपको ध्यान में दिला दूं, अगर एसएससी ने 115 बीएससी ऑप्ट किया है तो ये एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है, जिसका मतलब पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा. अगर इस क्वेश्चन को 115 बीएससी के साथ ट्वीट करके पूछा गया तो आंसर ही आना चाहिए. रेंट ऑफ 72,000 रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट एग्रीकल्चरल लैंड फॉर मूवी शूटिंग. अरे मेरे बच्चे याद करें, एग्रीकल्चर में हम लोगों ने करण जौहर सर का एग्जाम्पल लिया था, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको रेवेन्यू मिल रहा है फॉर मूवी शूटिंग, इट इज नॉट रिगार्डेड एज वॉट एग्रीकल्चरल इनकम, सो इट इज टैक्सेबल. 72,000 इन प्रेजेंट केस रेंट इज बींग डिराइव फ्रॉम लेटिंग आउट एग्रीकल्चरल लैंड फॉर अ मूवी शूट विच इज नॉट एन एग्रीकल्चरल पर्पज. इन इफेक्ट लैंड इज नॉट बींग पुट टू यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, देयर फॉर 72,000 बींग रेंट रिसीव्ड इज नॉट एग्जम्प्ट अंडर 10(1) एंड द सेम इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस. द सेम इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस. यस नेक्स्ट पॉइंट मालिक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर चलते हैं. डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. हाउ विल इनकम बी कंप्यूटेड अंडर द इंडिविजुअल डिराइव एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. मेरे भाई याद कर किस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है. कंसेप्ट है मेथड ऑफ एग्रीगेशन के ऊपर. क्या तुम्हें याद है मेथड ऑफ एग्रीगेशन के ऊपर ये कंसेप्ट आपको पूछा गया है. क्या कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना. कंसेप्ट आपको बोलता है कि भाई साहब अगर एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी है और अगर उसकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ऊपर है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो मेथड ऑफ एग्रीगेशन एप्लीकेबल है. एवरीबॉडी जल्दी बताओ स्टेप्स क्या थी. नहीं नहीं आज तुम्हें बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा. आज तुम्हें बताना पड़ेगा क्या थी, याद कर ऐसा दिमाग पे फुल जोर डाल. क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अरे भाई पढ़ा था ना हम लोगों ने, वही 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 पढ़ा था ना हम लोगों ने, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम स्टेप टू, टैक्स ऑन स्टेप वन स्टेप थ्री, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आ रहा है ना तेरे ध्यान में, स्टेप फोर टैक्स ऑन स्टेप थ्री, स्टेप फाइव डिफरेंस ऑफ टैक्स, यस यस और नो, और उसके ऊपर रिबेट सच्चा जो लगा करके फाइनल टैक्स निकालना है वही निकालना पड़ेगा. सो एग्रीकल्चर इनकम इज जनरली एग्जम्प्ट. हाउएवर एग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज टू बी डिटरमाइंड द रेट एट विच नॉन एग्रीकल्चर इनकम शैल बी टैक्सेबल. इन केस एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट मोर देन 5,000 एंड और द टैक्स पेयर हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देन नो सच एग्रीगेशन नीड्स टू बी डन. नेगेटिव फ्रेमिंग है, नो सच एग्रीगेशन नीड्स टू बी डन. हाउएवर एग्रीगेशन हैज टू बी डन इफ द टैक्स पेयर इज इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी सच फाइनेंस एक्ट प्रिस्क्राइब द स्लैब रेट इन सच केस और द अदर एसएससी सच पार्टनरशिप फर्म whose income is chargeable at flat rate have no effect. आपको यहां पे एक चार्ट बना के दिया है एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर का. यहां से आपकी स्टेप चालू होती है. एग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड टैक्स इज पेबल डिटरमाइन द एग्रीगेट इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मे बी 250, 3 और 5 एज द केस मे बी. कंप्यूट द डिफरेंस ऑफ टैक्स इन स्टेप 1 स्टेप 2 विच शैल बी टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम and tax payable shall be increased by surcharge if any and or reduced by rebate under section 87A. यहाँ पे जब आप surcharge देखोगे तो सिर्फ 10 और 15 लिखा है, उसके आगे का 25 और 37 भी है accordingly. तो बिल्कुल वही स्ट्रक मत हो जाना, नहीं तो ये मत सोच लेना अरे बापरे बुक के अंदर में तो और दो रेट लिखे ही नहीं है, वो क्यों नहीं है, वो इस पे नहीं आते क्या, सब आते हैं, हमने लिखा ही होता है. यस एंड देर आफ्टर एजुकेशन सेस ऑफ 4% नीड्स टू बी एडेड. क्वेश्चन नंबर 3 आप सेल्फ कर सकते हैं. सैम्पलिंग सीडलिंग नर्सरी से जो इनकम आता है क्या ये एग्रीकल्चर माना जाएगा. आंसर इज यस, ये एग्रीकल्चर माना जाएगा, यही बताया हुआ है. चेक कर लो वेदर यू हैव डन द बेसिक एक्टिविटी और नॉट डन द बेसिक एक्टिविटी.
डन। चलो जी, ओके, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स की बात आपको यहां पे जिंदगी में करनी है, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन, आइए। पहला, एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू सिक्किम एज इंडिविजुअल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। गलत, गलत, फॉल्स। याद करो, सिक्किम इज इंडिविजुअल का हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 1026AAA, जिसके अंदर में हम लोगों ने देखा था सिक्किम इज इंडिविजुअल की सिक्किम से आने वाली हर इनकम एग्जम्प्ट है, प्लस इंटरेस्ट एज वेल एज डिविडेंड इनकम जो पूरे इंडिया में कहीं से भी आ रही है वो भी एग्जम्प्ट है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एग्जम्पशन अंडर 1026AAA इज अवेलेबल टू सिक्किम इज इंडिविजुअल नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड इनकम बट ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, चाहे वो कहीं से भी आई हो। पेंशन रिसीव्ड बाय रिसिपियंट ऑफ अ गैलेंट्री अवार्ड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ट्रू। 1018। क्वेश्चन नंबर 3। ए इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ रिसीव 10,000 एज हिज शेयर फ्रॉम द इनकम ऑफ एचयूएफ, द सेम इज इंक्लूडेड इन हिज चार्जेबल इनकम। फॉल्स। जब एग्जम्प्ट ये 10(2)(a) के अंदर में तो चार्जेबल कैसे होगा। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट आर नॉट टैक्सेबल एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनकम, इट डज नॉट कवर द सेम। फॉल्स। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन आर इनकम एज पर 224, बट दीज आर एग्जम्प्ट। 224 डिफाइन्स इनकम विच इंक्लूड्स वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, हेंस द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वो इनकम तो है, टैक्सेबल नहीं है, ऐसा वर्ड होना चाहिए था। कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर फ्रॉम लोकल अथॉरिटी बाय एन इंडिविजुअल इज योर लीगल शेयर। याद कर 1010BC हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डिजास्टर हुआ है लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई कंपनसेशन मिला है, दिस कंपनसेशन इज नॉट टैक्सेबल। 1010BC। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इज एग्जम्प्ट, हाउएवर द एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू द एक्सटेंट सच इंडिविजुअल और लीगल हेयर हैज ऑलरेडी बीन अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ एनी लॉस डैमेज कॉज ड्यू टू डिजास्टर, कॉज ड्यू टू डिजास्टर। तो ये एग्जम्पशन मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा जितना आपको बेनिफिट मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 सेल्फ करें, ये 1010BC पे वापस से वही क्वेश्चन है, तो 1010BC पे बेस्ड क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। डन है जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। एक जबरदस्त क्वेश्चन है जो 10AA पे बेस्ड है, मेरे हिसाब से आपने इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कपल ऑफ टाइम्स आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको सीए फाइनल की बुक में भी दिखेगा। यस, सीए फाइनल की बुक में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 10AA पे बेस्ड है। आपको तो पता होगा 10AA के अंदर में अमेंडमेंट आया इस साल, 1/4/2020 के बाद आपको वो सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन 1/4/2020 तक के अगर किसी ने यूनिट ओपन किया था तो आज भी उसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट थोड़ा सा याद दिला देता हूं, पहले 5 साल 100% डिडक्शन मिलेगा, नेक्स्ट 5 साल 100% डिडक्शन मिलेगा, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वो रिजर्व्स वाली, तो और 5 साल का बेनिफिट आपको मिल सकता है। याद आ रहा है तुम्हें, चलो बहुत बढ़िया। अब रुद्रा लिमिटेड हैज 1 यूनिट इन SEZ एंड 1 यूनिट इन DTAA। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल। रुद्रा लिमिटेड की डिटेल दी है, DTAA की डिटेल दी है, लेकिन देखो SEZ गायब है। अब मेरा बच्चा SEZ कैसे निकालेगा, चिल्लर क्वेश्चन। टोटल में से DTA का माइनस करो तो SEZ आ जाएगा, इधर आएगा 4 करोड़। यस, 5.6 माइनस 1.6, एलसी किधर गए मेरे भाई।
आ जाओ। ये आ गया 4 करोड़। ये आ गया 50 लाख। यस चलो कैलकुलेट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर 10AA फॉर द ईयर इफ यूनिट इज स्टार्टेड इन 2013। अगर यूनिट 2013 के अंदर में स्टार्ट हुआ है मतलब 5 साल हो चुके, मतलब डिडक्शन विल बी 50% ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। मतलब 50% आपको लेना पड़ेगा, 50 × 400 डिवाइडेड बाय 400, द आंसर विल कम टू 25 लाख्स। फॉर्मूला याद है ना, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ अ यूनिट इन एसईजेड। अगर यूनिट 2018 के अंदर में चालू हुआ है, अगर यूनिट 2018 के अंदर में चालू हुआ है मतलब 5 साल अभी खत्म नहीं हुए, तो इसका 100% मिल सकता है। सो 100% ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, सो द आंसर वुड कम टू 50 लाख रुपीज। ये वर्किंग नोट आपने बिल्कुल बनाना मत भूलना। डन मालिक मूवर, आप देखो ऐसा क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 को सेल्फ करिए, अगेन 10AA पे बेस्ड है, इजी क्वेश्चन है। चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं, छोड़ो मैं ये नहीं दूंगा आपको। आओ इधर, क्वेश्चन नंबर 7। एबीसी एलएलपी इज एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइडिंग आईटी इनेबल सर्विसेज टू टू यूनिट, वन इन एसईजेड। द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द ईयर आर एज अंडर, टोटल टर्नओवर एसईजेड यूनिट 120 एंड द अदर यूनिट इज 100, एक्सपोर्ट टर्नओवर 100 एंड द अदर इज 60, प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड यूनिट इज 50 एंड अदर इज 40। द असेसी हैज नो अदर इनकम, कंप्यूट द टैक्स पेबल। ओ माई गॉड वेट, दे आर आस्किंग मी टू कंप्यूट द टैक्स पेबल, विल द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल चेंज इफ एबीसी एलएलपी इज एन ओवरसीज एंटिटी। नाउ हम ये क्वेश्चन को मार्क दिस क्वेश्चन एज इम्पॉर्टेंट, हम इस क्वेश्चन को दो अलग एंगल से देखेंगे। इस क्वेश्चन को हमें ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के एंगल से भी देखना होगा। यस क्यों? पहली बात तो एलएलपी है, एलएलपी के लिए एएमटी मैंडेटरी है। आप लोगों ने मेरे साथ ऑलरेडी एएमटी पढ़ा है, एलएलपी के लिए एएमटी मैंडेटरी है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, टैक्स पेबल निकालने बोला है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट निकालेंगे एंड दैट विल कम टू 90। इसमें से 10AA का एग्जम्पशन माइनस करेंगे, इसमें से 10AA का एग्जम्पशन माइनस करेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, सो दिस विल कम टू 50 × 100 डिवाइडेड बाय 120, 41.67 लाख माइनस हो जाएगा, माइनस 90 लाख, 48.33 लाख्स आ जाएगा आपका इनकम आफ्टर डिडक्शन। अब इस इनकम पे टैक्स निकालना है, एलएलपी का टैक्स रेट कितना है बेटा? 30%। सो फोर्टीन पॉइंट फिफ्टी इज द टैक्स रेट। रिबेट आएगा क्या? नहीं। सरचार्ज आएगा क्या? नहीं। इस पे 4% का सेस लगाओ, 0.58 प्लस 14.50, 15.08। मालिक 15.08
आपका टैक्स आना चाहिए। बराबर। अब अगर हम यहां पे एएमटी भी निकालें, क्योंकि जब भी टैक्स निकालने बोला और आपको क्लियर कट नहीं बोला है कि भैया आपको एएमटी को छोड़ के निकालना है, तो आपको एएमटी के साथ टैक्स निकालना है। ये बात मैं मेरे लेक्चर्स में भी आपसे कई बार कर चुका हूं। तो आइए, अब हमारा टैक्सेबल इनकम कितना हुआ, 48.33। याद कर एटीआई निकालने के लिए जो 10 डबल ए का एग्जम्पशन है हम एडबैक कर देते हैं, तो 90 आया। 90 का 18.5% इज द कैलकुलेशन। क्या एएमटी पेबल इनकम टैक्स पेबल से ज्यादा है? आंसर इज यस। सो 90 विल बिकेम माय टोटल इनकम और इसके ऊपर हमें टैक्स देना होगा 18.5%, 17.3160। एंड द डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज एएमटी क्रेडिट। चेक करो मालिक, डन। चलो जी, सो दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसके अंदर में हम लोग को टैक्स भी निकालना है, एएमटी भी निकालना है। एएमटी का ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है, तो मेरे हिसाब से इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर 8, डू इट सेल्फ, सिर्फ टैक्स निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बस गेम ओवर है हमारा, एग्जम्पशन का टॉपिक भी ओवर हो जाएगा। मिस्टर बी ग्रोस शुगर केन एंड यूज द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। अच्छा जी, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है। 30% ऑफ द शुगर केन इज प्रोड्यूस इज सोल्ड। याद कर, वो वाला कंसेप्ट है, ग्रोइंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग अदर देन रबर, टी एंड कॉफी। याद कर, हम इसके दो पार्ट बनाते थे लेक्चर के अंदर में। एक जो उगा के डायरेक्टली बेचा, प्योरली एग्रीकल्चरल इनकम, प्रोसेस करके बेचा एग्रीकल्चर एज वेल एज पीजीबीपी। यस मालिक, 30% डायरेक्टली आपने सोल्ड किया 10 लाख में, जिसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 5 था, तो एग्रीकल्चरल इनकम स्ट्रेट 5 लाख आ गई जो आपने डायरेक्टली सोल्ड किया इसकी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 30% की, दैट इज सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस 17% इज 14, मार्केट वैल्यू इज 22। बैलेंस के केस में एग्रीकल्चरल इनकम आएगा फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। फेयर मार्केट वैल्यू आ रहा है 22 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 14 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस विल कम टू 8 लाख। ये और एग्रीकल्चर बन गया। आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख, दिस इज सोल्ड फॉर 25 लाख। पीजीबीपी 25 माइनस 22 माइनस 1.5, पीजीबीपी माइनस फेयर मार्केट वैल्यू को क्या कंसिडर किया जाएगा, कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा, और कल्टीवेशन एक्सपेंसेस तो माइनस ही होंगे। 3 माइनस 1.5, 1,50,000। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ, एग्रीकल्चरल इनकम 13 लाख, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 1,50,000। कंप्यूट करना है बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। ये लीजिए सर, बिजनेस इनकम 1,50,000, एग्रीकल्चरल इनकम 13 लाख। फॉर्मेट जो अपन ने क्लास में सॉल्व किया, आप वो भी चालू कर सकते हो, ये भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से किसी भी फॉर्मेट को फॉलो करो, जवाब बिल्कुल सही ही आएगा।
यस, कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो आपको फॉर्मेट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी डायरेक्ट एक्सेस के पार्ट के अंदर में बहुत कम ऐसी जगह है जहां पे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो फॉर्मेट के ऊपर थोड़ा सा अगर आप बैंग करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको मजा आएगा, एंड बाकी तो सब ठीक ही है। यस, इसी के साथ हमारा एग्जम्पशन का क्वेश्चन है डिस्कशन खत्म होता है मालिक। अगर आप देखोगे एग्जम्पशन के अंदर में स्पेसिफिक सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ ये इनकम टैक्सेबल है या नहीं, 10W वाले पे तो कंफर्म आ सकता है, प्लस आपको यू नो एग्रीकल्चर वाले पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डन सर, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के सीरीज में आपसे मिलता हूँ। टेक केयर।